हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। एक्साइज कॉन्स्टेबल का रनिंग को लेकर इतना हतोत्साहित आपको नहीं हो जाना है। मैं बोल रहा हूँ कि तैयारी करते रहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पर डे 10 किलोमीटर दौड़िए। ऐसा अगर कीजिएगा तो आपका शरीर पे प्रभाव पड़ेगा और आप अंत में जहाँ पे 10 किलोमीटर दौड़ने का जरूरत पड़ेगा वहाँ पर आप नहीं दौड़ पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हद से हद उतना ही दौड़िए। अगर संडे को होता है तो आप 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, अगर नहीं होता तो एकदम से मत दौड़िए, क्योंकि अभी जो है रनिंग डेट आपके सामने नहीं आया है। रनिंग डेट जब आएगा तो आपको 10 किलोमीटर करने के लिए टाइम ज़रूर मिलेगा, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ दौड़ने के लिए, क्योंकि आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, यूज़ टू होना चाहिए आपके बॉडी को कि आप रनिंग कर सकते हैं। आपके पैर हाथ दर्द नहीं होना चाहिए अगर आप दौड़ते हो। तो 5 किलोमीटर अगर आप भी दौड़ रहे हैं, 2 किलोमीटर अगर आप दौड़ रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो 10 किलोमीटर भी आप आराम से दौड़ सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके पैर को यूज़ टू होना चाहिए रनिंग करने के लिए। आपके स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए आपको कम से कम 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दौड़ना चाहिए। अगर आप 2 किलोमीटर भी दौड़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी जो है रनिंग डेट आपको नहीं देखने को मिला है। रनिंग डेट जैसे ही मिलेगा मैं आपके रूटीन को सेट कर दूंगा कि किस दिन को कितना दौड़ना है, कैसे दौड़ना है, क्या खाकर दौड़ना है, क्या खाना चाहिए, ये भी रूटीन में सेट कर दूंगा। इसके लिए निश्चित रहिए, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है जब तक एक्साइज कॉन्स्टेबल का ज्वाइनिंग आपके हाथ में ना आ जाए। इसलिए समस्या जो है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जो भी दिक्कत होता है मैंने आपको बोला है कि अगर आप रनिंग करते हैं तो बेहतर है, हल्का फुल्का रनिंग आप डेली डेली कीजिए तो उससे दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन आप डेली 10 किलोमीटर दौड़ते हैं तो इसके लिए मैं मना करूंगा, क्योंकि छात्र जो है बार बार कमेंट करके पूछते हैं सर कितना दौड़ना है, नहीं दौड़ना है। तो अभी उतना मत दौड़िए, एकदम से मत दौड़िए। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ये आपके लिए काफ़ी है, अभी उतना ही दौड़िए, लेकिन पर डे दौड़िए। और फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वो सब अभी आपके लिए बहुत अच्छा जो है रिजल्ट देगा बाद में रनिंग में। तो कोई भी जो है कार्य है वो बेकार नहीं जाता है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपके फिजिकली एक्टिविटी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, जो आपको एक्सरसाइज कॉन्स्टेबल में फ़ायदा देके जाएगा। ठीक है, तो रनिंग के लिए आपको यहाँ परेशान नहीं होना है। डाइट वगैरह अभी क्या लेना है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के खाली पेट बिना ब्रश के जो है वो वाटर लेना है, थोड़ा गुनगुना पानी मिल जाए तो ये बेहतर है। उसके बाद जो है आपको थोड़ा देर आराम करने के बाद थोड़ा एक मुट्ठी चना लेके खाते हुए आपको फील्ड में निकल जाना है, या रोड में अगर रनिंग करते हैं तो वहाँ निकल जाना है। वहाँ पे थोड़ा चलने के बाद, लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद, उसके बाद रनिंग आपको स्टार्ट करनी है। उसका जैसे ही रनिंग ख़त्म होगा, करीब करीब 10 जो है डिप्स आपको मार देनी है वहाँ पे, रोड पे ही या फील्ड में ही। उसके बाद आराम से चलते हुए फिर घर आ जाना है, ब्रश करना है, फिर नाश्ता वगैरह अच्छा नाश्ता जो हो वो लेना है। बस इतना ही है, इतना ही डाइट अभी फॉलो कीजिए। बाकी जैसे ही डेट मिलेगा मैं आपको प्रॉपर डाइट लिख के बता दूंगा यहाँ पे कि क्या क्या आपको करना चाहिए, किस किस दिन क्या क्या करना चाहिए, ताकि आपको रनिंग में कोई भी दर्द ना हो, सीन पेन वगैरह जो आता है, स्टेमिना प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चे दौड़ते दौड़ते सांस फूलने लगते हैं, वो सब दिक्कत आपको ना हो। ऐसा चीज़ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा, लेकिन वो चीज़ कब आएगा, जब डेट आपका एग्जाम आ जाएगा कि इस दिन से आपका दौड़ है, उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि ये अब स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। इस चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको उत्पाद सिपाही का अंतिम ज्वाइनिंग जब तक नहीं हो जाता है तब तक फ़ायदा ही फायदा मिलने वाला है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।